टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सो नोमेनक्लेचर है क्या? लाइक हमको पता है जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है इनको एक स्पेसिफिक मैनर में या एक लाइक सिस्टमैटिक इनको रखने के लिए हमको एक मेथड की जरूरत थी, जिसको हम बोल रहे हैं नोमेनक्लेचर। तो ये था हमारे पास मेथड जो था, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। सो ये जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, इसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड को लाइक इजी वे से हम याद भी कर सकते हैं, और जब कोई इसका नाम हमको बोलता है लाइक कोई भी कंपाउंड है उसका नाम हमको बोलेगा, तो ये जो IUPAC की जो मेथड है इस वजह से लाइक कोई भी लिसनर है या कोई भी रीडर है उसको पता चल जाएगा कि हम कौन से कंपाउंड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं IUPAC है क्या। सो इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, सो ये IUPAC नोमेनक्लेचर, इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, लाइक डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट होंगे उसकी नेमिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो लाइक जब ये हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं आया था, इससे पहले भी हमारे पास क्या था, लाइक जो हमारे पास कंपाउंड होते थे उनका नाम रखा जाता था उनके ओरिजिन से, लाइक जहां से वो आए हैं, जहां से हमको वो लाइक कंपाउंड मिला है उसके नाम पे ये जो कंपाउंड्स है उनके नेम रख दिए जाते थे पहले। लाइक इस तरीके से अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की, सो सिट्रिक एसिड जो है हमको मिलता था सिट्रस फ्रूट से, सो इसीलिए इसका जो नाम है वो रख दिया सिट्रिक एसिड। ठीक है, ऐसे फ्रूट जो कि खट्टे होते थे उसमें हमको मिलता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो ओरिजिन है दैट इज सिट्रस, सो इसके नाम से ही हमने इसका क्या रख दिया, नेम रख दिया इस कंपाउंड का। ठीक है, लाइक रेड आंट जो होती है, लाल रंग की जो चींटी रहती है, अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रोड्यूस करती है क्या, फॉर्मिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करती है, फॉर्मिक एसिड। सो इसका जो ओरिजिन है फॉर्मिक एसिड का दैट इज फॉर्मिका। क्या होगा, फॉर्मिका। फॉर्मिका क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन है आंट। ठीक है, सो ये क्या है, लैटिन वर्ड। सो ये जो वर्ड है जो इसका ओरिजिन है इसके नाम पे ही कंपाउंड का नेम रख दिया गया, दैट इज फॉर्मिक एसिड। इसी तरीके से अगर हम यहां पे बात करें बक मिनिस्टर फ्लूरीन, एक बार मैं नाम चेक कर लेती हूं मैंने ठीक लिखा है क्या। हाँ, तो ये नाम है एक, ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका ये नाम है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है दैट इज कार्बन 60 क्लस्टर। ये कुछ नहीं, एक कार्बन का एक क्लस्टर मीन्स गुच्छा होता है, उस तरीके से एक कंपाउंड है हमारे पास कार्बन 60 का, जिसका नाम है ये बक मिनिस्टर फुलरीन। तो ये इसका जो नाम है वो किस तरीके से दिया गया, लाइक एक हमारे पास आर्किटेक्ट थे जिनकी प्रॉपर्टीज मिलती थी किससे, जियो डिस्क डोम्स। जियो डिस्क डोम्स जो थी, जो कि दी थी किसने, आर्किटेक्ट ने, जिनका नाम था बक मिनिस्टर फुलर। ठीक है, सो ये आर्किटेक्ट का नाम था जिन्होंने लाइक जियो डिस्क डोम्स प्रोवाइड किया था। इनका जो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी थी वो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी इस कार्बन 60 क्लस्टर से मिलती थी। ठीक है, इसीलिए इनके नाम के ऊपर ये वाला नाम बेस्ड है। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट है जिनको हम कॉमन नेम से जानते हैं। ठीक है,
जो कंपाउंड हमारे पास बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाते हैं या जिनका नॉर्मल क्लेचर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, कॉमन नेम्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें कॉमन नेम्स दिए गए हैं, लाइक CH4 इसका जो कॉमन नेम होगा दैट इज मिथेन। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम पहले से हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा था सिट्रस जो हमको फ्रूट से मिलता है इसका कॉमन नेम है सिट्रिक एसिड। तो इसी तरीके से कुछ कॉमन नेम्स है, तो ये टेबल एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मीथेन, दैट इज CH4, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कार्बन एटम प्रेजेंट है इसलिए वर्ड आता है मिथ, एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज एन। ठीक है, ये हम जैसे जैसे IUPAC में आगे बढ़ते जाएंगे मूव होते जाएंगे यहाँ पे रूल्स हैं पूरे, जिससे आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो एक बार बस आप कॉमन नेम देख लीजिए, दिस इज लाइक 1, 2, 3, 4 फोर हमारे पास कार्बन एटम है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्यूट एंड एन वर्ड बिकॉज सिंगल सिंगल बॉन्ड है एंड एन फॉर दिस लॉन्ग चेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन ब्यूटेन, दिस इज आइसो ब्यूटेन। किस तरीके से लिखते हैं हम इसको, CH3 एंड देर इज H, तो ये क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। इसी तरीके से नियोपेंटेन, अगर हम इस H को रिमूव कर दें एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास CH3, तो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन एटम है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो पेंट वर्ड यूज हो जाएगा किसके लिए, 5 कार्बन एटम्स के लिए एंड नियो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसके लिए। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास है CH3 CH2 CH2 OH OH जो है हम अल्कोहल के लिए यूज करते हैं जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको भी आगे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है CHO ग्रुप जो होता है दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को। अब हम बात करते हैं एसीटोन की, एसीटोन को किस तरीके से लिख सकते हैं, CO यहाँ पे भी CH3 एंड देर इज ऑल्सो CH3। ठीक है, CH3 CO CH3 ये हो गया हमारे पास एसीटोन। क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड देर इज एसिटिक एसिड दैट इज CH3 CO, अगर यहाँ पे OH आ जाए लाइक यहाँ पे, तो ये तो था हमारे पास क्या था एसीटोन, दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिसकी C6H6 दैट इज बेंजीन, लाइक जिसको हम इस तरीके से फॉर्म करते हैं, ये हो गया हमारे पास बेंजीन। अगर हम बात करें C6H5OCH3 ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ बेंजीन रिंग में यहाँ पे लाइक इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं सारे, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं CH2 प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक H को यहां से रिमूव किया और बेंजीन रिंग के ऊपर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया OCH3, इसको हम किस तरीके से शो करेंगे लाइक इस तरीके से OCH3, अगर हमको बेंजीन रिंग में अगर शो करना है तो इस तरीके से हम शो करेंगे लाइक, ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने इसको लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया OCH3, सो ये जो बेंजीन रिंग था अब ये बेंजीन रिंग नहीं रहा, अब ये बन गया हमारे पास एनिसोल, क्या हो गया एनिसोल। इसी तरीके से अगर इस ग्रुप को हम यहां से रिमूव कर दे और यहाँ पे लगा दे NH2, सो ये बन जाएगा हमारे पास एनिलीन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे CH3 लगा देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा टोलुइन। ठीक है, सो ये जैसे जैसे हम क्लास में आगे मूव होते जाएंगे आपको समझ में आता रहेगा कि हम किस तरीके से इनको नाम दे रहे हैं, और कुछ चीजें आपको लर्न करनी रहेगी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लाइक IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल क्या क्या है, किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको चाहिए 3 चीजें। ठीक है, कौन कौन सी है, सो फर्स्ट जो हमको चाहिए दैट इज वर्ड रूट, क्या चाहिए वर्ड रूट। सेकंड जो हमको चाहिए दैट इज
suffix. Third is prefix. जो हमारे पास suffix होते हैं and prefix होते हैं, दोनों हमारे पास primary भी होते हैं secondary भी होते हैं. So primary suffix and secondary suffix. इसी तरीके से हमारे पास प्रीफिक्स भी क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, तो प्रीफिक्स भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसको हम लर्न करेंगे आगे. सो वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट इज बेसिकली लाइक हमारे पास जो कार्बन की जो लॉन्ग चेन प्रेजेंट रहती है, उसमें हमारे पास जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहते हैं उसके लिए कोई ना कोई एक वर्ड रूट दिया है. लाइक अगर हमारे पास वन कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड देयर इज वर्ड रूट. अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इज वन, सो यहां पे हम जो वर्ड रूट यूज करेंगे दैट इज मिथ. अगर हमारे पास दो कार्बन एटम है तो हम वर्ड यूज करेंगे इथ. अगर हमारे पास तीन कार्बन एटम है तो हम यहां पे यूज करेंगे प्रोप. अगर हमारे पास फोर कार्बन एटम है तो यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे ब्यूट. अगर हमारे पास फाइव कार्बन एटम प्रेजेंट है तो हम वर्ड यूज करेंगे पेंट. इसी तरीके से हमारे पास सिक्स कार्बन एटम प्रेजेंट है तो हम वर्ड यहां पे यूज करेंगे हेक्स. सेवन है सो हेप्ट. एट है सो ओक्ट. देन मैं आगे यहां पे लिख देती हूं. नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड यहां पे वर्ड रूट. ठीक है, इनको आपको लर्न करना है. लाइक वन के लिए क्या होता है, टू के लिए क्या होता है, थ्री के लिए, फोर के लिए, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं. तो ये आपको सारे के सारे क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए. देन मैं आगे यहां पे लिख देती हूं. यहां पे हमने एट तक लिख लिया, नाइन कार्बन एटम है सो नॉन. टेन के लिए डेक. इलेवन के लिए हम क्या यूज करेंगे, इलेवन के लिए हम यूज करेंगे अनडेक. अनडेक. ट्वेल्व के लिए डूडेक. एंड देन ट्वेंटी के लिए हम यूज करेंगे यहां पे डू, यहां पे आईकोस. आईकोस. देन ट्वेंटी वन के लिए हिन आईकोस. 22 के लिए डू आईकोस. डू आईकोस. इसी तरीके से अगर हम यहां पे लें 30, सो 30 के लिए हम यहां पे यूज करेंगे ट्राई कोन. 31 के लिए हेन ट्राई कोन. इसी तरीके से 32 के लिए डू ट्राई कोन. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास वर्ड रूट. लाइक जितने भी हमको कार्बन एटम मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे देख लेंगे हमारे पास इथ आएगा या प्रोप आएगा. लाइक ये हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन एटम की चेन है तो यहां पे कौन सा वर्ड यूज होगा, पेंट. ठीक है, अगर मैं इसको कंप्लीट बनाऊं लाइक इस तरीके से CH3, देयर इज CH3, CH2. सो यहां पे इसको हम इसका फुल नेम किस तरीके से लिखेंगे, ये पेंट है हमारे पास. एंड देन यहां पे सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहां पे आ जाएगा A. ठीक है, सो जहां पे हम सिंगल डबल बॉन्ड की बात करते हैं वहां पे हो जाते हैं हमारे पास सफिक्स. अब हम यहां पे किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे सफिक्स की. ओके, सो
सफिक्स हमारे पास क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की, ठीक है। सो प्राइमरी सफिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, लाइक अगर हमको कार्बन चेन के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, तो हम यहां पे लगाएंगे एन, एन वर्ड यूज होगा। डबल बॉन्ड के लिए यहां पे यूज होगा ई, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए यहां पे यूज होगा आई, ठीक है। ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये आएंगे किसके अंदर, प्राइमरी सफिक्स के अंदर। अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आपको एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड दिए हैं, लाइक एक कार्बन चेन है, लाइक यहां पे भी आपको डबल बॉन्ड दे दिया, एंड देन इस तरीके से यहां पे भी आपको डबल बॉन्ड दे दिया, या फिर इस तरीके से आपको ट्रिपल बॉन्ड दे दिया यहां पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे जब हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इनको हम लिखेंगे लाइक इस तरीके से, डाई ट्राई टेट्रा, ये हम यूज करेंगे किसके लिए, अगर हमारे पास दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लाइक वन टू। अगर ट्राई, ट्राई का हम यूज करेंगे जब हमारे पास तीन डबल बॉन्ड हो, या फिर टेट्रा मतलब हमारे पास फोर डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या यूज करेंगे, डाईन डाई सॉरी ट्राईन ट्राईन, यहां पे जब हमारे पास दो डबल बॉन्ड होंगे, यहां पे हमारे पास तीन डबल बॉन्ड होंगे। इसी तरीके से डाई आइन, डाई आइन, डाई आइन कब यूज करेंगे, जब हमारे पास दो ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ठीक है। इसी तरीके से ट्राई आइन मतलब यहां पे तीन ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी सफिक्स। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। सो सेकेंडरी सफिक्स के अंदर हमारे पास यहां पे क्या आता है, लाइक जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप लाइक जिससे हमारे पास कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहां पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको थोड़े बहुत लर्न करने पड़ेंगे, जिसकी टेबल अभी हम यहां पे बनाने वाले हैं। तो वो जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनके भी कुछ ना कुछ सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम होता है, जो कि हमको कार्बन की जो चेन प्रेजेंट होगी अगर उसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमको वो लगाने पड़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे एक टेबल है फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एंड देन यहां पे सेकेंडरी सफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले हमको दिया है एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल का जो सिंबल होता है दैट इज OH। तो जब अगर हमारे पास कोई कार्बन की चेन है इस तरीके से, और यहां पे इन्होंने दिया है OH, ठीक है, इस तरीके से कोई भी हमारे पास चेन प्रेजेंट है, तो ये जो हमारे पास एल्कोहल प्रेजेंट है इसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज ओल, ठीक है। इस तरीके से आपको लर्न करना है, एल्कोहल के लिए ओल आएगा, थायो एल्कोहल के लिए यहां पे आता है SH, थायो के लिए हमेशा S होता है यहां पे, सो यहां पे आ जाएगा थायोल। इसी तरीके से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड दैट इज CHO, इसके लिए हम यूज करेंगे AL। नाउ द नेक्स्ट इज कीटोन, कीटोन कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन इज C डबल बॉन्ड O, ये वाला हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप, इसके लिए हम यूज करेंगे ओन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सो यहां पे आ जाएगा हमारे पास COOH, ये होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड यहां पे हम यूज करेंगे ओइक एसिड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एस्टर, एस्टर इज COOR, इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करेंगे दैट इज OH। नाउ द नेक्स्ट इज एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड,
HCl। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। देन अमाइड्स के लिए अमाइड यूज करेंगे, अमीन के लिए अमीन यूज करेंगे, इमीन के लिए इमीन यूज करेंगे। इस तरीके से एक टेबल होगी, आप लाइक बुक में भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जिनके लिए हम इस तरीके से ये वर्ड यूज करेंगे, ओके। सो ये हमने किसकी बात कर ली, सफिक्स की। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रीफिक्स की। सो प्रीफिक्स हमारे पास दो तरीके के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो सबसे पहले हम प्राइमरी की बात करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। सो प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन की चेन प्रेजेंट है अगर वो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। किस तरीके से, लाइक CH2, 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 इस तरीके से साइकिल में प्रेजेंट है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे वर्ड पहले वर्ड कौन सा यूज होगा, साइक्लो। पहले हम लिखेंगे साइक्लो एंड देन ये जो हमारे पास जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है लाइक 1, 2 एंड 3, थ्री नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सो थ्री के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रो। एंड देन हमारे पास सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, सो एन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको राइट डाउन करते हैं, लाइक स्टार्टिंग में हमारे पास साइक्लो वर्ड आएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको देखना चाहें तो यहां पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले वर्ड आएगा साइक्लो, देन 1, 2, 3, 4, फोर कार्बन एटम है सो ब्यूट, ब्यूट वर्ड आएगा, एंड देन सिंगल बॉन्ड है सो एन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है, लाइक ये हमारे पास कार्बन एटम है, इसके पास फोर हाइड्रोजन लगी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन को मैंने इस तरीके से शो कर दिया, ठीक है। एंड जो फोर्थ हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ था इसको मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया, इसकी इसको रिमूव करके मैंने यहाँ पे कोई अदर ग्रुप लगा दिया, ठीक है। कोई सब्स्टिट्यूटेड, जिसको हम बोले सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ गया, लाइक कोई भी हेलोजन लगा दिया मैंने, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी मैंने ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कोई हमारे पास क्या होंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होंगे। लाइक यहाँ पे अगर मैंने क्लोरीन लगा दिया, सो क्लोरीन के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है दैट इज क्लोर। लाइक जैसे कि हमने यहाँ पे एक टेबल देखी है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक टेबल हमको देखने को मिलेगी सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए। सो क्लोरीन प्रेजेंट है इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे क्लोरो, फ्लोरीन प्रेजेंट होगा सो वर्ड यूज करेंगे फ्लोरो, ठीक है। सो टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं, जो भी एटम या ग्रुप जो भी सब्स्टिट्यूट हुए हैं वो, एंड देयर इज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ओके। सो अब हमारे पास यहां पे क्या होगा, एटम प्रेजेंट है फ्लोरीन, सो इसको हम लिखेंगे फ्लोरो, फ्लोरो, क्लोरीन, क्लोरो, आयोडीन, आयोडो, ब्रोमीन, ब्रोमो, इसी तरीके से नाइट्रो, एंड देन हमारे पास आर ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये है हमारे पास एल्काइल ग्रुप, एल्काइल, एंड देन अगर हमारे पास CH3 है सो ये हो जाएगा मिथाइल, एंड देन हमारे पास ओ सी एच थ्री है तो यहाँ पे हम जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज मिथॉक्सी OC2H5, ये हो जाएगा इथॉक्सी। तो इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। इनको हम किस तरीके से कंबाइन करके लाइक लिखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये सब आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
आईयूपीएसी जो नेम है उसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद हम लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद हम यहां पे लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट देन हम लिखेंगे यहां पे प्राइमरी सफिक्स। क्या लिखेंगे? प्राइमरी सफिक्स। एंड देन हम यहां पे लिखेंगे क्या? सेकेंडरी सफिक्स। सो इस तरीके से हमारे पास पूरा नेम आ जाएगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, CH3 CH CH2 CH2 OH। ठीक है, यहां पे लगा हुआ है BR। ठीक है, तो सबसे पहले हमको नेमिंग करनी स्टार्ट करनी है। जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जितनी भी हमारे पास लॉन्ग चेन है। सो 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबरिंग यहां से 1 2 3 4। अब आप बोलोगे मैम आपने यहां से नंबरिंग स्टार्ट क्यों की, हम ये ऐसे भी तो कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, लोएस्ट सम रूल हमारे पास प्रेजेंट होता है उसको हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने काउंट किया है इसको हम देखते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है सेकेंड पोजिशन पे एंड फोर्थ पोजिशन पे, 2 + 4। यहाँ पे हमारे पास क्या आया? 6। अगर हम रेड मार्कर वाला चेक करें तो यहाँ पे 1 1 + 3rd पे लगा हुआ है 3, सो देयर इज 4। सो हम यहाँ पे कौन सा कंसीडर करते हैं, जो लोवेस्ट सम हमारे पास आता है वहां से हम चेन स्टार्ट करते हैं। सो ये वाला जो हम यहां से हमने मार्किंग की है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो इस तरीके से हमने नेमिंग कर दी। नेमिंग करने के बाद हमको सबसे पहले क्या लिखना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब जो हमारे पास हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके जो हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स आया है उसको हमको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे पास क्या है? ब्रोमीन आया है हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? ब्रोमो। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। सो प्राइमरी प्रीफिक्स हम यहां पे नहीं लगा सकते क्योंकि ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम यहां पे क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे एंड देन आगे मूव करेंगे। देन वर्ड रूट, जितने हमारे पास कार्बन आइटम प्रेजेंट है उनका वर्ड रूट 1 2 3 4। 4 कार्बन आइटम है सो हम लगाएंगे ब्यूट। ये हो गया हमारे पास वर्ड रूट। ठीक है, देन हमको यहां पे क्या लगाना है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मींस हमारे पास सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसको हमको यहां पे ऐड करना है। ठीक है, सो प्राइमरी सफिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे सिंगल बॉन्ड है हमारे पास सो एन। ठीक है, एन, तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स एन। ठीक है, देन हम क्या करेंगे यहां पे? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हमारे पास क्या थे, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उनको लिखना है। सो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। OH क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओल। क्या यूज करते हैं? ओल। अभी हमने यहां पे देखा था ओल वर्ड यूज करते हैं, ये हमारे पास क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। अब इसको हम कंबाइन करके लिख लेंगे किस तरीके से। ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है? 3rd पे, सो यहां पे हम लगाएंगे 3। और हमारे पास एल्कोहल कहां पे प्रेजेंट है? 1 पे, सो यहां पे लगाएंगे हम 1। सो इसका जो नाम होगा दैट इज 3-bromo-butane-1-ol। ठीक है, सो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये तो हमने सिंपली बात की जो हमारे पास वर्ड रूट प्रेजेंट है, सफिक्स प्रीफिक्स इन सब चीजों के बारे में बात की।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे पास सफिक्स प्रेफिक्स है इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर या फंक्शनल ग्रुप जहां पे हमारे पास प्रेजेंट है उसमें हम इनको किस तरीके से डिफरेंट अप्लाई करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप ये जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा और इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। अगर आप इनको अच्छे से लर्न करोगे तभी आप आगे के लेक्चर पे मूव हो पाओगे। तो होप यू लाइक दिस लेक्चर। Hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.